नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ लाइन एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात में हुए निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं गुजरात के निकाय चुनाव में, आगे हम आपको विस्तार से इसके आंकड़े बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन में जिस तरह से किसानों के ऊपर कार चढ़ा करके उनको कुचला गया है, इस मामले पर अब किसानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी और योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी का बहुत बड़ा हमला, यहां पर राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर के बड़ा बयान दिया, क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में कोरोना के बाद एक और बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है, किस तरह से इसका असर 130 करोड़ जनता के ऊपर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अब देश में बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा के अंदर बीजेपी में भगदड़ मच गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून रद्द करवाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के अंदर विजयनगर में दूषित पानी पीने से 6 बच्चों की कैजुअल्टी, 150 से ज्यादा लोगों की भर्ती जो है अस्पताल में करनी पड़ी है, इसको लेकर के भी ताजा अपडेट इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर लगातार सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जिस तरह से आज गुजरात के निकाय चुनाव रिजल्ट घोषित किए गए हैं उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी ने कुल 44 सीटों में से 40 सीटें फिर से जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें गई हैं और आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये गुजरात के अंदर बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर गुजरात से है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी में जिस तरह से तिकुनिया में किसान आंदोलन को लेकर के कार से किसानों को कुचला गया है, इस मामले पर किसानों ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी पर समझौता कराकर सरकार ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन सरकार की मुश्किलें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। किसानों की रणनीति है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगह जगह पर भाजपा नेताओं का इसी तरीके से आगे विरोध किया जाएगा, उन्हें उनके क्षेत्रों में चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। आशंका है कि यदि इसी तरीके से भाजपा नेताओं को प्रचार करने से रोका गया तो किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं में टकराव बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं तिकुनिया यानी लखीमपुर खीरी की इस घटना के बाद किसानों के बीच लगातार गुस्सा फैलता जा रहा है और इसका असर आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी का बहुत बड़ा हमला, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश के बाद अब जो है राहुल गांधी ने जो है आरएसएस के ऊपर बड़ा हमला किया है। आपको हम खबर दिखा रहे देख सकते हैं, आरएसएस प्रमुख के इशारे पर देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रही है मोदी सरकार, ऐसा कहते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में कोरोना के बाद एक और बड़ा संकट आने वाला है, आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक देश में कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है, ये बात केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने कही है।
कोयले के संकट गहराने का असर सीधा सीधा बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। देश में इस वक्त 135 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन के एक नए नोट की माने तो 1 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार इन 135 पावर प्लांट्स में से 72 के पास 3 दिन से कम का स्टॉक था, वहीं 4 से 10 दिन का स्टॉक मेंटेन करने वाले बिजली घरों की संख्या 50 ही रह जाती है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों के बाद पूरे देश की बिजली गुल हो सकती है दोस्तों। इससे देश के ऊपर एक बिजली का बड़ा संकट पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे हमारे देश की सरकारें सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई हैं, उनको इस चीज से क्या मतलब है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के रेट के मामले पर देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम पर निर्भर करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को मिलकर काम करना होगा। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। यानी कि जो मोदी सरकार के नेता 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे और यह कह रहे थे कि देश में महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, ये जो है कांग्रेस पार्टी की नाकामी है। आज जब देश में उससे भी ज्यादा डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तब जो है देश की फाइनेंस मिनिस्टर बता रही है कि ये जो पेट्रोल की कीमत है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। काश यही बात 2014 से पहले कही होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। खैर, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के बयान अब मोदी सरकार के नेता दे रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के अंदर बीजेपी में भगदड़ मच गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायक आशीष दास सीएम ममता बनर्जी के साथ चले गए हैं, साथ ही प्रधानमंत्री भी उनको देखना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक आशीष दास ने खुले तौर पर बीजेपी की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी की तारीफ की है। इसके बाद बताया जा रहा है कि त्रिपुरा बीजेपी के कई विधायक टूट करके टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम चन्नी, बोले कृषि कानूनों को रद्द करने का किया गया है आग्रह, आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है गृह मंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कर्नाटक में बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने से 6 बच्चों की कैजुअल्टी, 150 लोगों की बीमारी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे जो है कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार है, जिसके बाद जो ये घटना है इस पर मीडिया पूरी तरह से खामोश है और जो पत्रकार हैं वो पूरी तरह से ना जाने कौन सी गुफा में छिपे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना पर सीएम जो है बोम्मई, उन्होंने 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो सरकार ये कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, जिसमें उसके विकास की पोल खोलती हुई ये खबर सामने आई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।